पिछले कई महीनों से कैप्टन और सिद्धू की चल रही लड़ाई एक सप्ताह पहले कैप्टन की कुर्बानी से खत्म होती दिख रही थी, लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया को इस्तीफा भेजकर सबको चौंका दिया। दरअसल मामला अति महत्वाकांक्षा का था। कैप्टन से विवाद के समय कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरीके से सिद्धू का भाव बढ़ाया था, उसका खामियाजा तो उठाना ही था। खेला तो चन्नी के सीएम बनने के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। दरअसल कांग्रेस आलाकमान द्वारा कैप्टन का इस्तीफा स्वीकार करते ही सिद्धू की महत्वाकांक्षा सिर चढ़कर बोलने लगी थी, लेकिन चन्नी को सीएम बनवाने के बाद चाहे वहां बड़े पदों पर नियुक्तियां हों या मंत्रिमंडल में नेताओं को शामिल करने का मामला हो, इसमें कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को दी गई खुली छूट पर लगाम लगा दी, और नियम तो है, होना भी यही चाहिए। तभी से सिद्धू तिलमिलाए घूम रहे थे। कैप्टन से विवाद के समय से ही सिद्धू पंजाब का सीएम बनने का ख्वाब पाले बैठे थे, लेकिन खेला हो गया। सिद्धू के इस्तीफे के तुरंत बाद कैप्टन ने ट्वीट कर कहा, मैंने पहले ही कहा था ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, पंजाब के लिए फिट नहीं है। अब आगे नवजोत सिंह सिद्धू चाहे जिस पार्टी का भी रुख करें, लेकिन उनका खेल तो खत्म हो गया। उन्होंने अपना काफी वजन घटा लिया। खैर जो भी हो, भले ही अब राजनीति में उनकी वो अहमियत न रही हो, लेकिन कपिल शर्मा शो में तो वो कभी भी आ जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।